हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ वेज कटलेट बनाने की रेसिपी। तो इसमें मैंने सारी सब्जियाँ यूज की हैं, सूजी और उबले हुए आलू। तो ये बहुत ही आसान है, आप घर पर इसे आराम से बना सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए बने रहिएगा मेरे साथ, अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने ये किस तरीके से बनाए हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो देखिए, मैंने सबसे पहले चार आलू ले लिए उबले हुए, एक कटोरी सूजी ले ली है, ये मेरी सारी सब्जियां हैं कटी हुई, मैंने मिक्स कर ली हैं एक साथ। आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो आप वो लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा सब्जियां बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। मैंने बारीक चॉप करके पनीर ले लिया है, ये दो हरी मिर्च बिल्कुल बारीक काट के, ये मैंने स्वीट कॉर्न लिए हैं। स्वीट कॉर्न को मैंने पहले उबाल लिया था, ये उबले हुए स्वीट कॉर्न है। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन में मैं सबसे पहले अपनी सूजी को भून लूँगी। देखिए, मैं यहाँ कच्ची सूजी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कच्ची सूजी से ज़्यादा भुनी हुई सूजी से क्रिस्पी बनाएगा, तो इसीलिए सूजी को मैं पहले भून लेती हूँ। और इससे क्या होगा कि अंदर तक हमारे कटलेट नहीं पक पाते हैं, तो इसलिए सूजी को भून लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। ये देखिए, हमारी सूजी गोल्डन हो गई है, अब हम इसे वापस बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, अब मैं आलू को मैश कर लूँगी अच्छे तरह से। ये देखिए, आलू में कोई आलू का पीस नहीं रहना चाहिए, अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। आपके पास आलू मैशर हो तो उससे मैश कर सकते हैं, मैंने हाथ से किए हैं। अब मैंने फ्राई पैन ले लिया है, फ्राई पैन में मैं थोड़ी सी फ्राई करने के लिए सरसों का तेल चढ़ा लूँगी। अब तेल पक गया है तो देखिए, सबसे पहले मैंने डाला है साबुत धनिया, उसके बाद मैंने सारी सब्जियां डाली हैं और अच्छे से चलाते हुए फिर इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। देखिए, साबुत धनिए से कोई भी आलू का चीज़, आप आलू की चीज़ कोई बनाने जा रहे हैं, साबुत धनिए से छोंकने में उसका फ्लेवर अलग ही आता है। ये मैंने नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, ये धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा गर्म मसाला और थोड़ी सी हींग, ये थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। तो चलिए, आप सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है हमारी सब्जियों पर, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है और ये खाने में भी इतने ही लाजवाब लगते हैं। ये देखिए, सब्जियां जब हमारी अच्छे से पक जाएंगी हल्की सी, तो इनमें हमें स्वीट कॉर्न ऐड कर दें। देखिए, सब्जियों को ज़्यादा नहीं पकाना है, सब्जी का क्रिस्पीपन होना चाहिए। ये मैंने पनीर ऐड कर दिया है। अब ये सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें अपने आलू मिक्स कर देंगे। तो ये मैंने अब अपने आलू डाल दिए हैं, इसी तरीके से मैं अपने सारे आलू इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये डाल दिए मैंने ऊपर से हरी मिर्च, आप चाहें तो लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर खानी हो, मैं लाल मिर्च यूज नहीं करती हूँ। ये सूजी डाल दी है मैंने, अब इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी, एक इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है, बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है। अब इसमें आप 2 चम्मच मैदा भी ऐड कर दीजिए, क्योंकि सूजी हमारी भुनी हुई है तो अच्छे से चिपकेगी नहीं, तो मैदा से वो चिपक जाएगी। ये देखिए, कटलेट को आप अपनी मनपसंद शेप दे सकते हैं, मैंने इस तरीके से शेप दी है, आपको जो शेप पसंद हो, आप गोल चाहे तो हार्ट शेप में बना सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे कटलेट तैयार हैं, अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और उसमें सरसों का तेल चढ़ा लिया है। अब तेल को अच्छे से पका लेंगे, जब तेल अच्छे से पक जाएगा तो उसे गैस को बंद करके हल्का सा ठंडा होने के लिए वेट करेंगे, उसके बाद उसमें अपने कटलेट छोड़ेंगे। देखिए, मेरा तेल तैयार है, अब मैं इसमें कटलेट छोड़ दूंगी। इन्हें मीडियम फ्लेम पर आपको पकाना है। तो ये देखिए, ये मैंने कटलेट छोड़ दिए हैं। अब ये देखिए, एक साइड से मेरे कटलेट पक गए हैं, तो मैं इन्हें धीरे से पलट दूंगी। देखिए, सब्जियां सारी होती हैं इसमें, तो इसीलिए इनके खुलने का भी डर रहता है, तो आप मैदा 2 चम्मच ज़रूर ऐड कीजिएगा। खाली सूजी के खुलने का चिकनाई में डर रहता है और सब्जियां भी निकल जाती हैं, इसीलिए 2 चम्मच मैदा ज़रूर ऐड कीजिएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से पलटते हुए हमें अच्छे से सेक लेने हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी लगते हैं, बच्चे और बड़े सबको पसंद आते हैं। तो नाश्ते में आप चाहें तो संडे को फ्री टाइम में इन्हें बना सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक सर्विंग प्लेट में। ये देखिए, मेरी थाली तैयार है ब्रेकफास्ट की। तो ये मैंने इमली की चटनी के साथ सर्व किए हैं, आप चाहे तो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं।